समस्तीपुर जिले की दलसिंहसराय विद्यापति नगर रोड के सरदारगंज के पास गुरुवार की दोपहर ओवरलोडिंग गिट्टी लदी ट्रक अचानक सस्पेंशन टूटने से सड़क पर पलट गई। इस दौरान पास से गुजर रहे बाइक सवार चाचा भतीजा की ट्रक और गिट्टी के नीचे दबने से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने चार चार जेसीबी बुलाकर एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिट्टी हटाकर ट्रक को उठाया, जिसके बाद दोनों शव को बाहर निकाला गया और परिजनों ने शव को ठेला पर रखकर NH-28 को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की डायल 112 गाड़ी को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के 50 वर्षीय पोचो राय और विशु राय के 35 वर्षीय पुत्र गोपाल राय के रूप में किया गया है। बताया जाता है कि दोनों मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा था। लोगों के अनुसार मृतक गोपाल राय अपने चाचा पोचो राय के साथ दलसिंहसराय के सरदारगंज स्थित अपने ट्रैक्टर को ठीक करवाने के लिए गांव से आया था। गैराज पर से वापस बाजार जाकर ट्रैक्टर का सामान लेकर ठीक करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान गिट्टी लदा ट्रक दोनों पर पलट गया, जिसे दोनों ट्रक और गिट्टी के नीचे दब गया। इधर घटना की सूचना पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई थी और आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची डायल 112 की वाहन क्षतिग्रस्त करते हुए बोलेरो के सभी शीशे को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं ट्रक में भी कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया। लोगों का आरोप था कि सरदारगंज चौक पर सड़क पर अतिक्रमण रहता है, जिससे आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है। ट्रक से सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसी कारण से सड़क रोक के लिए यातायात बाधित था। गंगा भी आकर हटा दिया गया गांव को और पोस्टमार्टम के लिए ट्रक भी जला दिया गया है। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि उसमें आग लगा जाए तो गई कर करके उसको बुझाने का काम किया जा रहा है, पता करते हैं आगे। सरकार से मांग है कि जो सबसे पहले जो टूटा हुआ सड़क है उसको दुरुस्त करें, ओवरलोड जो गाड़ी चलती है उस पर रोक लगाम लगावे। प्रशासन और सरकार की मिली भगत से जो है पैसा लेके जो ओवरलोड गाड़ी को चलने दिया जाता है, इससे सड़क भी टूटती है और दुर्घटना भी होती है, लोग मरते हैं और घायल होते हैं।